कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई लोग एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि अत्यधिक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से आप एक गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके बारे में चेतावनी दी है। WHO के विशेषज्ञों ने चेताया है कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से गोनोरिया के मामले बढ़ने का खतरा काफी बढ़ गया है। कोरोना वायरस के इलाज के तौर पर अभी तक कोई वैक्सीन या दवाई नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी कोरोना के शुरुआती दौर में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर इससे निजात पा जा सकती है। एक शोध में पाया गया है कि सांस की समस्या के लिए दी जाने वाली एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक आम एंटीबायोटिक है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जरूरत से ज्यादा इन दवाओं पर निर्भर होने की वजह से गोनोरिया के मामलों के बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा पैदा हो गया है। क्या है गोनोरिया? यह बीमारी निसीरिया गोनोरिया नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। असुरक्षित यौन संबंध, ओरल सेक्स और अप्राकृतिक सेक्स की वजह से यह संक्रमण फैलता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स तेजी से बेअसर होती जा रही है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।